हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 25 तारीख। सो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह की 8:30 और आज मैं काफ़ी जल्दी नहा लिया हूँ और तैयार भी हो गया हूँ। मैं नहा धोकर चेंज कर लिए मैंने कपड़े और अभी मम्मी डैडी ड्यूटी जाएंगे और मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट है बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। सो गाइज ये देख लीजिए, अचार के लिए जो गोभी है उसके टुकड़े करके थोड़ा सा इनको फैला दिया है, थोड़ा हल्दी में करके उबाल के और इनको फैला दिया है। और गाइज आज नाश्ते में पनीर के परांठे बनाए हैं, एकदम मस्त लजीज लग रहे हैं। तो गाइज अभी तो फिलहाल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, आज मस्त पनीर के परांठे बनाए हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद में वापस रियाज करने के लिए बैठता हूँ मैं। तो गाइज अभी मम्मी जी का कॉल आ गया था तो मम्मी जी बोल रही हैं कि लेने आ जाओ, तो अभी फिलहाल जल्दी से जा रहा हूँ मम्मी जी को लेने के लिए स्कूल। तो फिलहाल चलते हैं। तो गाइज अभी तो फिलहाल मम्मी जी के स्कूल पहुँच गया हूँ मैं और चलेंगे चले। हो गए तैयार? तैयार नहीं मतलब घर जाने के लिए तैयार। और क्या है ना, कैसा रात का? स्टूडेंट्स आए थे क्या? बहुत सारे आए थे। कितने एक सारे आए थे? थे थोड़े ही थे क्या? बस 100 के करीब थे। 100 के करीब बच्चे थे? बच्चे बहुत आ रहे हैं, स्कूल खुल गया ना। हाँ तो भूख लग रही है, मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक। चल चलो। सो अभी फिलहाल जल्दी से घर चलते हैं, मम्मी सामान लेकर आ रही है अपना बैग वगैरह और फिर हम जल्दी जाते हैं घर। तो गाइज अभी तो फिलहाल मैं खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज भोजन में क्या बनाया है। तो गाइज आज भोजन में है आलू गोभी की सब्जी और थोड़ी सी काजू कतली भी ले ली है मैंने, 2 पीस काजू कतली की रोटी हो गई है। और गाइज रात की थोड़ी बहुत पनीर की सब्जी भी पड़ी थी तो वो भी मैंने अभी ले ली है, क्योंकि पनीर है गाइज यू नो, तो छोड़ नहीं सकते। तो गाइज अभी जल्दी से भोजन कर लेता हूँ, मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के अभी भोजन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले भूख तो लग रही थी पर मैंने किया नहीं भोजन, मैंने सोचा कि जो मम्मी हैं आ जाएंगे उसके बाद ही भोजन करूँगा। तो अभी भोजन कर लेते हैं और शाम का भी कुछ प्लान बन रहा है, देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी फ़िलहाल भोजन करूँगा, उसके बाद मैं वापस तबला बजाने बैठूँगा और शाम को जो है मेरी क्लास भी है तबले की आज, क्योंकि आज आज थर्सडे है ना मम्मी? हाँ गाइज आज गुरुवार है, थर्सडे है, तो आज मेरे तबले की है क्लास भी है। तो अभी भोजन कर लेते हैं पहले। सो गाइज जो मेरे तबले की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। तो अभी पहले जल्दी से जाके दूध ले आता हूँ और उसके बाद में मैंने आप सभी को बताया था कि एक और चीज़ करनी है, तो पहले दूध ले आता हूँ फिर ही आपको बताऊँगा। सो गाइज अभी तो फिलहाल जो मैं आपको कह रहा था कि एक आपको एक नई चीज़ बताऊँगा मैं, तो आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ कि गोभी का अचार कैसे डाला जाता है। तो अभी फिलहाल जल्दी से आपको दिखाता हूँ, मम्मी और डैडी मिलकर दोनों अचार हैं वो डाल रहे हैं, अचार बना रहे हैं गोभी का। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो आप लोग भी आपके घर पे ज़रूर बनाना, ट्राई करना। तो गाइस ये देख लीजिए, मम्मी और डैडी मिलकर अभी अचार बना रहे हैं। तो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स तो बता दो मम्मी क्या क्या है। ये इसमें धनिया, साबुत धनिया पिसा है, जीरा, अच्छा सौंफ, अच्छा और अजवाइन, और इसमें बस ये चीजें पीसी है। अच्छा, काला नमक, हींग, कलौंजी बाद में डलेगी, हाँ, और नमक मिर्च। और ये हल्दी पीली कैसे हो रखी है? ये इसको गर्म पानी करके, अच्छा गर्म पानी को उबाल के, हाँ, और उसमें हल्दी नमक डाला था और उसमें डाल के इसको थोड़ी देर 2-5 मिनट उबाला है, हाँ, और फिर छलनी में निकाल के इसको सुखाया था। हाँ, सुबह मैं जब खाना खा रहा था सूखी हुई थी। हाँ, ये सुखा के, हाँ नहीं ब्रेकफास्ट कर रहा था तब सूखी हुई थी, अभी सूती कपड़े में ना। तो गाइस ये देख लीजिए, ऐसे करके पीली हो जाएगी हल्दी और ज्यादा हल्दी मत डालना नहीं तो ज्यादा डार्क हो जाएगी। और अब ये है ना सारा अचार डैडी डाल देंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स आपके द्वारा और डालेंगे प्रोसेस डैडी, खराब हो जाता है पानी सा छोड़ने लग जाएगा मेरे। अच्छा अच्छा अचार बैठता नहीं है। अच्छा अच्छा डैडी डाल देंगे अचार, ये मैंने तैयारी है तो सारी कर दी है। ये क्या डाल रहे हैं डैडी? ये सिरका विनेगर है, विनेगर है ना। हां डैडी को बता दिया, कितना डालना है डैडी? थोड़ा सा ही डालना है, 2-1 चम्मच। ओके ओके ओके। अच्छा फिर और फिर इसको मिक्स करना है क्या अच्छी तरह? वैसे ऐसे काम है ना जेंट्स को करने चाहिए। क्यों? वैसे वो काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम बस डैडी रुको। सो गाइस आपको पता है ना सारे काम मैं करता हूँ और मैं जेंट्स भी हूँ, फिर भी मम्मी ऐसी बात कह रही है कि काम नहीं करते जेंट्स। जो जेंट्स काम नहीं करते ना उनके लिए भी है कि भी लेडीज इस तरह से काम करवा सकते। बस टूने टोट के नहीं करवाने हमें। डैडी तो करने को तैयार है काम। नहीं नहीं वो पिताजी है ना हमारे पिताजी। हाँ, मैं करने नहीं देती लेकिन मैं यूं सोचती हूं भी कोई कोई काम तो कर ही ले। बट ठीक है, अब क्या डालना है डैडी? इसमें काला नमक। काला नमक डालना है? सेंधा नमक नहीं, काला नमक है ये। काला नमक और सेंधे में क्या फर्क होता है? ब्लैक साल्ट। अच्छा, ये क्या चीज है? व्हाइट नमक, सफेद नमक। समझ गए माते। अब ये डालना लाल कश्मीरी मिर्च।
कश्मीरी मिर्च है क्या ये? हाँ। दो तीन चम्मच, दो तीन चम्मच। तो डैडी चम्मच तो आप नापते ही नहीं हो, रंग के लिए अंदाजन पता नहीं कैसे। यही सत्य है। एक ही बात है, शादी तो कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च, सिंपल मिर्च में क्या फर्क होगा? और कलर के लिए कौन सी वाली? कश्मीरी मिर्च। अच्छा, और ये अपने स्वाद के। तो हम उत्तराखंडी मिर्च नहीं ले सकते क्या? नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी वो, उत्तराखंड में चल जाएगी। कितनी इंग डाली है? थोड़ी सी। अच्छा, आधे चम्मच से थोड़ा कम अमचूर, कम डालो, ज्यादा हो जाएगा। खटास के लिए ना थोड़ी डालो बस। और अच्छा, इनको भूनना भी है फिर पीसा है। साबुत मसाले हैं ये सारे, सारे साबुत मसाले थे, लाए हुए थे, फिर पीसे हैं घर में। हाँ। तो गाइस देख लीजिए, ये वही मिक्सी है जिसके अंदर हमने मसाले पीसे हैं, धनिया जीरा और ये सब पीसे हैं इसमें। अच्छा, और गाइस वो जो आपको दिख रही है मिक्सी के ऊपर एक वो डोंगा पड़ा है, उसके अंदर हमारी काजू कतलियां पड़ी है गाइस। यस, तो गाइस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। सो गाइस अभी इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे मम्मी? मिक्स, बस बस। मैं तो डर गई। और ठंडा किया हुआ है। अच्छा, तेल एकदम गरम करा, एक मिनट में ब्लर हो गया था। अच्छा, पहले अब इसको क्या गरम करके, और एकदम गरम करा तेल को। हाँ। फिर ठंडा होने छोड़ दिया। इसका क्या औचित्य है? औचित्य है ये कि तेल कच्चा नहीं डालना चाहिए। अच्छा, करके ठंडा करके यही गड़बड़ हो जाती है ना कई जनों से, कच्चा ही डाल देते हैं ना, फिर उसकी ना कुछ अलग ही महक आती है, खुशबू हवा की जिसे कहते हैं। कई लोग अभी तो घर में भी पूरे सरसों के तेल की खुशबू हो गई है, वो इसलिए गर्म किया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये बस अचार डाल गया। अभी ये थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है, एक बार थोड़ा मसाले के लिए डालेंगे दो, एक ताकि मिक्स हो जाए मसाले अच्छी तरह। बड़ी चम्मच डाल के थोड़ा मसाला मिलाएंगे इसमें ताकि ये सूखा नहीं रहे। अच्छा अच्छा, और फिर कांच के बर्तन में। तो गाइस ये लिए ना अपने कांच के बर्तन, ये देखो ये कांच के, इसको अपने क्या कहते हैं देसी भाषा में, भांड, भांड, कांच के जार हैं गाइस ये, जार, जार, दो जार है, दोनों में डाल लेंगे। हां है ना, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे ऊपर से। जब अचार, बस ये अचार हो गया। हाँ, बस ये अचार दो एक दिन बाद ये थोड़ा खाने जैसा। तो गाइस बस ये अचार बन चुका है, ठीक है ना, बस ज्यादा मत डालो खराब हो जाएगा। नमक स्वाद अनुसार डालना है ना मम्मी, काला नमक डाल रहे हैं गाइस ऊपर से, सफेद नमक है वो नहीं डाल रहे हैं। सफेद नमक डाला है? नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए। तो मैं, आप कौन कौन से अचार आते हैं आपको? सब तरह के अचार आते हैं। आप मेरा अचार डाल सकते हो क्या? हैं? तो गाइस अभी डैडी जार में डाल दो, कूट-कूट के अचार बना दूंगी, देख कूट-कूट के बनाओगे क्या अचार मेरा? वाह भाई वाह, मोटेड़े तेरा, तो कूट-कूट के अचार बना सकती हूं मैं। तो गाइस अभी ये जार में भर दिया अच्छी तरीके से, ठूस-ठूस के भर देंगे इसके अंदर ताकि ये बाहर ना आ पाए उछल-उछल के अचार। एक तो बाहर आ गया उछल के, मानता नहीं शैतान था ये। ज्यादा मत भरो, बस तेल भी डालेंगे ना इधर, तेल ऊपर से डालना है ना हमें। तेल डालेंगे इसमें, गाजर है ना गोभी के साथ में, क्या गाजर, हरी मिर्च, ये भी डाल सकते हैं। अच्छा, मिक्स अचार भी बना सकते हैं ना इसमें, गोभी के साथ गाजर। हाँ। और हरी मिर्च डलती है। अच्छा, ठीक है ना, तो वो भी अपन डाल सकते हैं अचार में। ठीक है ठीक है ठीक है ना, इसी में मिक्स करके डाल दो, इसे एक धूप में रखना है। अच्छा, जैसे अभी ये डाल दिया तो इसको क्या धूप में रख देंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ना। सो गाइस ये अचार हैं, जार के अंदर भर दिए हैं, इसमें ये डाल दिया ना। हाँ, जार में डाल दिया। हाँ, अब वो तेल गरम किया हुआ है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से, थोड़ा थोड़ा सा डालना। कितना डालना है? डाल देंगे तेल जितना वो डूब जाएगी। अच्छा, और फिर इसको धूप में रखेंगे, तो मतलब अचार ऐसे बनेगा ना। अच्छा, तो गाइस अभी इसके अंदर डैडी जी तेल डाल रहे हैं, इसको पूरा भरना है गाइस जार को, तब तक तेल डालते रहना है हमको। एक कड़छी और आ जाएगी, बस बस और नहीं आएगी। तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अचार कैसे बनता है, तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि अचार ऐसे बनाया जाता है, जो भी प्रोसेस है वो आप सब ने देख ही लिया। तो अभी फिलहाल बस खाना खा लेता हूँ, मम्मी जी ने भोजन तो बना ही दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज भोजन में क्या बनाया है मम्मी जी ने। सो गाइस आज मम्मी जी ने बनाए हैं नमकीन चावल, टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के मस्त से लग रहे हैं, एकदम मस्त तड़का लगाया है। और दाल बनाई है मम्मी जी ने आज, चावल और दाल, दाल और चावल और वाचल और दाल जो भी कहते हैं, तो मस्त सा भोजन लग रहा है आज। आज इसे फैंटेस्टिक भोजन कैसे बना दिया आपने? बना दिया। रोटी लेगा? रोटी नहीं ले रहा मैं, चल बस ये लूंगा, और पहले मैं सोच रहा हूँ कि भोजन कर लेता हूँ, और उसके बाद तबला बजाने बैठूंगा या लाइव जाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू मॉम फॉर गिविंग अस बेस्ट फूड, थैंक यू। सो गाइस जल्दी से अभी भोजन कर लेता हूँ मैं पहले। सो गाइस अभी बज गई है रात की 10:30 और काफ़ी देर हो गई है मुझे तबला बजाते हुए, तो अभी जो व्लॉग है वो भी एडिट करना है बाकी है मुझे, और जो तबले वाली वीडियो है वो भी एडिट करनी है, क्योंकि मैं रोज़ तबले वाली जो वीडियो है वो अपलोड करता हूँ, शॉर्ट वीडियो है वो रिकॉर्ड करके एडिट करके और अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस
अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो व्लॉग है वो एंड कर दिया जाए। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।